जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जहाँ आज एक हिस्टोरिकल मैच जो है वो खेला गया है, स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के माबेन। पहला वनडे, एशिया का पहला डे एंड नाइट जो टेस्ट मैच है वो खेला गया है, जो कि पिंक बॉल से खेला गया है। इस मैच की जो खास बात थी वो यही थी कि ये पिंक बॉल से और एशिया का फर्स्ट डे एंड नाइट टेस्ट मैच जो है वो आज खेला गया है। आज उसका पहला दिन था और इस वक्त मैं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूँ। आज के मैच के हवाले से मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के जाने माने सीनियर स्पोर्ट्स एंकर पर्सन, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग। हम उनसे आज बात करेंगे आज के मैच के हवाले से कि आज का मैच वो कैसे देखते हैं और आज के मैच जो हिस्टोरिकल मैच जो आज प्ले हुआ है, आज उसका पहला दिन था, उसके बारे में उनके ओपिनियंस जानेंगे। जी मिर्ज़ा साहब। जी एजाज, ये तो यकीनन पाकिस्तान के लिए एक तो न सिर्फ ये खुशाइन बात है, दूसरी जिस तरह की बैटिंग की पाकिस्तानी बैट्समैनों ने, अजहर अली ने सेंचुरी स्कोर की, बदकिस्मती से समी असलम 10 रन के फर्क से सेंचुरी नहीं बना सके। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, वेस्ट इंडीज़ की टीम बिल्कुल बुझी बुझी नज़र आ रही है, उनमें कोई स्प्रिट नहीं है, कोई जोश जज्बा नहीं है, ऐसा लगता है कि सिर्फ वक्त गुजारने के लिए वो क्रिकेट खेल लें और पाकिस्तान बड़ी मजबूत पोजिशन में। मैं समझता हूँ कि कल अगर पाकिस्तान इसको मजीद मुस्तहकम करेगा तो वेस्ट इंडीज़ के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। जैसा कि मुबसरीन जो उनका कहना यही था कि आज पिंक बॉल से जो ये मैच स्टार्ट हुआ, पिंक बॉल को इजी नहीं लिया जा रहा था और यही बातें की जा रही थी कि ये मुश्किल पैदा करेगी बैट्समैनों के लिए, मुश्किल पैदा करेगी और ज़्यादा आउट होने के चांसेस हैं। लेकिन आज के जो 90 ओवर्स हैं वो उन 90 ओवर्स बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आज के बैट्समैन ने जो है वो खेले हैं, एक आउट हुआ है और 279 रन है। आप इसको कैसे देखते हैं कि कुछ जो जैसे बोला जा रहा था कि पिंक गेंद मुश्किलात पैदा करेंगी, वैसे वो कुछ भी यहाँ पे नज़र नहीं आया? बिल्कुल नज़र नहीं आया, बड़े खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि बैट्समैनों के लिए मुश्किल हो सकती, लेकिन नज़र नहीं आया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान 20-25-30 रन पीछे रहा, पाकिस्तान को थोड़ा तेज़ खेलना चाहिए था, लेकिन बहरहाल अजहर अली ने अच्छी बैटिंग की, समी असलम ने, फिर असद शफीक ने, तो रन तो 20-25 कम थे। अब देखना है कि कल पहले सेशन में पाकिस्तान किस तरह की बैटिंग करता है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो ग्रिप इस टेस्ट मैच पर पाकिस्तान की मजबूत हो चुकी है। और आज के इस मैच की दूसरी जो बड़ी बात है, 400वां ये मैच खेला जा रहा है और इस मैच में दो प्लेयर्स ने डेब्यू किया है, मोहम्मद नवाज और बाबर आजम ने। उनके जो है उनका फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं, उन्होंने आज अपना टेस्ट जो है वो डेब्यू किया? दोनों अंडर 19 के प्लेयर्स हैं और दोनों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, खासतौर पर बाबर आजम अपने करियर की बेहतरीन फॉर्म में, 3 मुसलसल सेंचुरियाँ और फिर सईद अनवर और ज़हीर अब्बास का रिकॉर्ड बराबर करना, तो मैं समझता हूँ कि बाबर आजम के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, जिस तरह की पिच आज देखने को मिली, कल जब उनकी बैटिंग आएगी तो डेफिनेटली वो रन स्कोर करेंगे। और मोहम्मद नवाज के लिए भी मौका है, जुल्फ़िकार बाबर जैसे सीनियर बॉलर को बिठाकर नवाज को उन पर तरजीह दी गई, तो मैं समझता हूँ कि ये इन दोनों यंगस्टर्स के लिए मौका है कि अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएं। आप इस मैच को क्या, इसकी प्रेडिक्शन आप करेंगे कि आज कितने दिन तक ये मैच जाएगा? आज इसका पहला मैच था, आज अभी प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन लग यही रहा है कि अगर पाकिस्तान ने 500 रन किए तो वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग इस काबिल नहीं है, यासिर शाह पाकिस्तानी लेग स्पिनर फिर मोहम्मद नवाज ये इनको आउट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब। जी बिल्कुल, आपने सुना सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उनके ओपिनियन सुने इस मैच के हवाले से। आज इस मैच की जो है एशिया की हिस्ट्री बन चुकी है, जो कि क्रिएट की है पाकिस्तान और वेस्ट